स्वाति रायना, आप अपनी जिंदगी के कुछ लक्ष्य सेट करते हैं जिनमें कुछ जरूरी लक्ष्यों में बच्चों की पढ़ाई और फिर उनकी शादी शामिल होते हैं। आपका बच्चा बेस्ट से बेस्ट स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पढ़े, ये हर पेरेंट का सपना होता है। और फिर उसके बाद आता है अगला पड़ाव, शादी, जिसकी प्लानिंग भी अभी से करना बेहद जरूरी है, जिससे आपके बच्चे की जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल में कोई कमी न रह जाए। तो क्या इन दो जरूरी लक्ष्यों के लिए आपने प्लानिंग की है? हो सकता है कई लोगों ने प्लानिंग कर भी ली हो, लेकिन जिन लोगों ने प्लानिंग नहीं की है उनके लिए यही सही समय है, क्योंकि बेस्ट एजुकेशन और शानदार शादी के लिए अच्छी खासी रकम की भी तो जरूरत होती है। तो इसलिए मनी गुरु स्पेशल में आज हम जानेंगे कैसे करें बच्चे के भविष्य की प्लानिंग। और हमारे साथ आज हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू स्वाति। पूजा, जब कोई भी अपना एक पोर्टफोलियो सेट करता है उसके मन में कई तरीके के गोल्स होते हैं, कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, कैसे अपना भविष्य सुरक्षित करना है, लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद एक और गोल ऐड हो जाता है कि जब बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई फिर उनकी शादी की प्लानिंग कैसे की जाए। तो ऐसे में बच्चों के लिए प्लानिंग कितनी ज़रूरी एक फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो में बताई गई है? जी स्वाति, बहुत सही कहा आपने कि जैसे शादी होती है उसके बाद काफ़ी लोग सोचते हैं कि अब बच्चों के एजुकेशन, बच्चों के उनके बच्चों के एजुकेशन, उनके बच्चों के मैरिज के प्लानिंग कब करनी चाहिए, कौन सा सही समय है, करना चाहिए अभी से कि नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों को काफ़ी इस बारे में जानकारी होती है, किसी को नहीं होती है। कोई सोचते हैं कि जब टाइम आएगा तभी, दो तीन साल पहले जो मेरे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से हम कर लेंगे। लेकिन ये सारे मिथ होते हैं, ये सारे हमें ऐसा लगता है कि तब काम आएंगे, लेकिन ऐसे देखा जाए इन्फ्लेशन कोई काउंट नहीं करता है। तो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जल्दी प्लानिंग करने के लिए। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन, आपका बच्चा जैसे ही बॉर्न होता है आराम से 15-20 साल का एक होराइजन मिल जाता है उनकी प्लानिंग के लिए, और ये होराइजन में हम अच्छी खासी रकम जुटा सकते हैं, उनको अच्छा खासा करियर दे सकते हैं। जैसे आपने शुरू में पॉइंट आउट किया कि आज सभी बच्चों को, काफ़ी फैमिलीज़ में सभी बच्चों को हायर एजुकेशन करना है, उन्हें अच्छी स्कूल में जाना है, उन्हें ICSE की पढ़ाई लेनी है, अब्रॉड एजुकेशन करना है। तो आज ही करंट सिनेरियो में इतनी महंगाई है इन सारे अलग अलग कोर्सेज की, फीस इतनी हाइक में है, तो आफ्टर 20 इयर्स अगर आप अभी से प्लान कर रहे हैं, या आपके 2-3 साल के बाद अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट हम अगर ध्यान में रखें तब हमें लगता है कि हाँ 20 साल 25 साल में ये अमाउंट कहाँ पहुँचेगा, और अगर मैं इसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर सकती हूँ तो क्यों नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हमें उनके बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी का भी अभी से आपको प्लानिंग करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये कहूँगी कि आज काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली होती है, अगर आप देखें तो चार लोग हैं फैमिली में, हस्बैंड वाइफ। आज काफ़ी फैमिलीज में हम देखते हैं दोनों वर्किंग होते हैं जी। तो उस केस में देखें तो बच्चे टिल द टाइम दे स्टार्ट अर्निंग, जब वो कमाना शुरू करते हैं, वो वैसे तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, उनकी इनकम के ऊपर, उनकी फीस, उनके खर्चे, उनके आप बोले आजकल सबको टैब में पढ़ाई करनी है, सबको स्टेशनरीज चाहिए, ये सारे चीज़ें के लिए ये डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि देयर इज सम सिनेरियो जहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, वर्स्ट सिनेरियो अगर हम देखें, तो उस केस में बच्चों के एजुकेशन, उनका फ्यूचर, पूरा प्लानिंग उनका सब कुछ मेस हो जाता है। वो कोई ज्यादा सोचता नहीं, उन्हें लगता है हम हैं तो हमारे बच्चे का फ्यूचर हम सिक्योर करेंगे। एब्सोल्युटली पूजा, आपने बहुत ही एक्चुअली राइट पॉइंट यहां पर किया, नहीं है एब्सोल्युटली कि जरूरी क्यों है आजकल के टाइम में। इनफैक्ट अगर अभी आपके बच्चे नहीं है, आपकी शादी हो चुकी है, उससे पहले भी आप अभी से प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं, और वो एक बेहतरीन तरीका होगा अपने बच्चे की प्लानिंग करने के लिए। तो बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश के बेहतरीन तरीके क्या हैं, अब इस पर हम आते हैं। पूजा, अब कई लोग ये पूछेंगे, अब आपने तो बता दिया कि जरूरी क्यों है, लेकिन इसके लिए तरीके क्या है, किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो सेट करें जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिले, सेफ्टी भी मिले और इंश्योर्ड भी रहे।
जी देखिए स्वाति, दो चीज़ होती हैं, हर एक फैमिली का एक इंडिविजुअली हम प्लानिंग देखते हैं कि हर एक फैमिली की नीड्स और गोल्स अलग होते हैं. नीड्स और गोल्स मतलब एक तो उनके पास समय कितना है जो ऑलरेडी अभी प्लान करने का सोच रहे हैं, या तो मे बी उनके पास बहुत समय क्योंकि उन्होंने अभी तक बेबी प्लान नहीं किया है. तो दो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं. सेकेंडली रिस्क फैक्टर, वो कितने ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, कितने ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं. लेकिन एज अ प्लानर हम बोलते हैं कि आपको आपका जो प्लानिंग होती है, जो हर एक गोल के लिए हम अलग अलग प्लानिंग करते हैं, वो असेट अलॉक हर एक असेट क्लास में आपको उसको स्प्रेड आउट करना है. डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है. एक क्लास होता है इक्विटी क्लास, जहाँ पे हम उन्हें इक्विटी मार्केट्स का एक्सपोजर दे सकते हैं, जो हम क्योंकि लंबा समय है, लंबा होराइजन है दोनों गोल्स के लिए, एजुकेशन है या मैरिज है, तो हम इजीली उन्हें कह सकते हैं कि आप आपका 80% से ज़्यादा पोर्टफोलियो आप इक्विटी में बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट ने लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है. दूसरा, हम सेफ एक इन्वेस्टमेंट करना चाहें, डेट इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो फिक्स्ड इनकम हम बोलते हैं, या तो आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक ले सकते हैं जहाँ पे अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो उनके इंश्योरेंस से जो रकम आती है वो बच्चों को यूज़ हो सकती है उनके फ्यूचर के लिए. तीसरा, एक गोल्ड क्लास होता है जो हम बोलते हैं कि गोल्ड या सिल्वर में भी काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं लंबे समय के लिए. तो एक अगर एक ट्रेंड फॉलो करें तो कुछ फैमिलीज ऐसा भी करते हैं कि हर उनके बच्चे के हर बर्थडे पे वो कुछ ग्राम गोल्ड उन्हें गिफ्ट दें. तो जब वो 18 इयर्स के हों या जब भी उनकी शादी का समय आ जाता है, आप ये गोल्ड उस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं जैसे हम इन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं. जो इक्विटी मैंने कहा, उसमें अगर हम एक SIP भी शुरू कर दें, मात्र 10,000 की SIP अगर हम 20 साल के लिए भी शुरू कर दें, तो वो अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ ईजिली उसमें से एक रकम बन सकती है. तो इस तरह से आप देखें तो अभी से अगर हम प्लान करने बैठे तो हम काफी असेट क्लास में इजीली निवेश कर सकते हैं और लंबे समय में ये सारा इन्वेस्टमेंट एक टाइम पे आपको बहुत अच्छा लगेगा. एब्सोल्युटली, आपने एक्चुअली काफी तरीके बताए हैं, इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, इनफैक्ट SIP के जरिए निवेश किया जा सकता है. लेकिन अगर कोई नया ही है पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए, आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे अपने बच्चे के प्लानिंग के लिए सीधे इक्विटी में पैसे डालें या फिर आप SIP का जरिया उन्हें ज्यादा सजेस्ट करेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा नया इन्वेस्टर है, तो हम उन्हें एक जानकारी ये दे सकते हैं कि अगर उन्हें इक्विटी, कंप्लीट इक्विटी में 100% एक्सपोजर नहीं लेना है मार्केट का, तो वो क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस पोर्टफोलियो हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं. जैसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, 60-65% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी का डेट पोर्शन में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. या तो MIP करके कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे हार्डली 20-25% इक्विटी में होता है और बाकी सब डेट में होता है. तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, जो हम हर महीने अगर हम SIP शुरू करते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट जो सिस्टमेटिक, मात्र आप 1,000 रुपीज़ की SIP से भी 20-25 साल में काफ़ी अच्छे से एक पोर्टफोलियो अक्यूमुलेट, एक कॉर्पस अक्यूमुलेट कर सकते हैं. अगर इन्वेस्टर नया है तो हम उन्हें एक बैलेंस पोर्टफोलियो दे सकते हैं, या तो हम उन्हें कह सकते हैं कि आप इनिशियली बैलेंस पोर्टफोलियो में आप मेंटेन करें, जैसे ही थोड़ा टाइम वो कंफर्टेबल हो जाए तो वो पोर्टफोलियो हम इक्विटी की तरफ स्विच कर सकते हैं. तो ऐसे इस तरह की प्लानिंग हम इन्वेस्टर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं. एब्सोल्युटली, और कई एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स हैं, पेरेंट हैं, वो ये भी सोचते हैं कि अगर हम बच्चे की प्लानिंग से पहले या अगर बच्चे के लिए एक सिक्योर फ्यूचर हमें सोचना है तो क्यों ना एक अच्छा सा टर्म प्लान ले लें. क्योंकि आपने एक चाइल्ड प्लान्स की भी बात कही और टर्म प्लान्स की अभी अगर बात करें तो बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है बच्चे के बेहतर फ्यूचर के लिए? जी देखिए स्वाति, एक और टर्म प्लान, जैसे इंश्योरेंस की बात मैंने की तो LIC का एक प्लान है जहाँ पे आप हर साल अगर 50,000 ईयरली इन्वेस्ट करते हैं फॉर से 25 इयर्स, तो भी आप इजीली 8-9% टैक्स फ्री रिटर्न से अराउंड 80 लाख की राशि आप इकट्ठा कर सकते हैं. तो ये भी आपने काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं एक डेट इन्वेस्टमेंट के लिए. ऑलराइट, तो ये कुछ एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके थ्रू आप अपने बच्चे के जो फ्यूचर है उन्हें
सिक्योर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर निवेश की शुरुआत कब से करें, ये भी कई लोगों के मन में सवाल होता है। आपने कहा कि जितना जल्दी हो उतना बेटर, क्या इसका कोई पर्टिकुलर एज है? क्या शादी से पहले भी बच्चों के लिए प्लानिंग की शुरुआत की जा सकती है? क्योंकि नॉर्मली शादी के बाद ही लोग सोचते हैं, बच्चा होने के बाद ही सोचते हैं, अगर शादी से पहले इसके बारे में सोच लिया जाए तो क्या गलत है? जी, देखिए, जैसे अगर हम, आपने बहुत सही ये चीज़ को पूछा कि हम बच्चा होने के बाद ही काफ़ी लोग सोचते हैं कि अब मुझे प्लानिंग करनी है, लेकिन आप अगर, आप खुद तो मालूम है कि ये एक गोल आने वाला है 20 साल में, 15 साल के बाद इनका एजुकेशन का गोल आने वाला है, और आप अगर 2-3 साल में प्लान कर रहे हैं शादी के, तो आप एक SIP खुद के नाम पर शुरू कर सकते हैं और आप वो पैसा इस गोल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप बच्चा प्लान करते हैं उसके बाद अगर आप प्लानिंग शुरू करें इमीडिएटली, तो उनके नाम पे हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने अपने नाम पे अगर इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो आप अपने बच्चे को नॉमिनी बाद में चेंज कर सकते हैं और उनको बेनिफिशियरी का हम दे सकते हैं, ताकि जो भी अमाउंट आफ्टर 15-20 ईयर्स इकट्ठा होगा, तो बेनिफिशियरी बच्चा हो, आपके बच्चे को वो अमाउंट मिले। जैसे LIC प्रोडक्ट है या म्यूचुअल फंड्स है, हम काफ़ी में ये नॉमिनेशन फैसिलिटी चेंज कर सकते हैं, और ये चेंज करना ज़रूरी भी है। और कुछ और ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि निवेश शुरू कैसे करें, क्या शुरुआत में किसी की सजेशन लेना ज़रूरी होती है, बच्चों की शादी के लिए कितनी राशि तय करनी चाहिए, अगर हम इवेंट बेस्ड या फिर राशि बेस्ड अगर अपना प्लान सेट करते हैं, तो उस निवेश को हम प्लान कैसे कर सकते हैं? जी, देखिए, आपने पहले जो पूछा कि हम किस तरह से इसे शुरू कर सकते हैं, तो शुरू करने के लिए एक और हम चीज़ हमें इन्वेस्टर शुरू कर सकता है कि एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अपने बच्चे के नाम पे, जो 10 ईयर्स के बाद आप अपने बच्चे के नाम पे बैंक अकाउंट शुरू कर सकते हैं। तो इससे क्या एक जिम्मेदारी आ जाती है कि एक बच्चे के नाम का अकाउंट खोला है, तो अब इनके इसमें से इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू हम उसको सिस्टमैटिकली करेंगे, तो ये एक हम कर सकते हैं शुरुआत में। धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताए, वैसे हम इन्वेस्टर के साथ बैठ करके उनका ये गोल डिस्कस कर सकते हैं। मैरिज जैसे आपने बोला, क्योंकि एजुकेशन एक चीज़ ऐसी होती है कि आपको ग्रेजुएशन का एक गोल होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का गोल होता है, अब्रॉड में एजुकेशन करना है तो वो एक गोल होता है। तो इस तरह से आपको फैमिली के साथ डिस्कस करना है कि इनको किस तरह का एजुकेशन आप देना चाहते हैं। मैरिज अगेन एक लाइफ टाइम इवेंट है, एक ही बार आपको ये एक एक्सपेंस है, एंड काफ़ी लोगों की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं मैरिज को लेके, स्पेशली गर्ल चाइल्ड में अगर हम देखें। आज के ज़माने में एक ट्रेंड है कि लोग शादियों में काफ़ी खर्चा करते हैं, वेन्यू से लेके, क्लोथ से लेके, ज्वेलरी से लेके, आजकल फोटोग्राफी में भी काफ़ी लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक बहुत अच्छा मेमोरी ड्रीम वेडिंग चाहिए। तो आज ये ट्रेंड चल रहा है, तो आफ्टर 15-20 ईयर्स यू नेवर नो कि ये ट्रेंड कहाँ जाएगा। तो आज अगर आप देखें तो एक शादी को 25-50 लाख एक मिनिमम अमाउंट में, एग्जांपल के तौर पे पकड़ो, तो ये 20-25 साल के बाद 1-2 करोड़ हो जाएंगे। तो ये अमाउंट अगर हमें अभी से प्लान करना है, तो अगेन जैसे हमने कहा कि SIP, क्योंकि एक सिस्टमैटिकली सिंपल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, हर महीने डेडिकेशन से आप 20 साल तक उसको इजीली इन्वेस्ट करो, 5-10,000 की सिप से आप आपका मैरिज प्लानिंग भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, ये एक मिनिमम एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो ईयरमार्क करें हर गोल को, मैरिज के लिए मुझे अलग एक सिप पकड़नी है, एजुकेशन के लिए अलग सिप पकड़नी है, इक्विटी एक क्लास पकड़ना है, डेट एक क्लास पकड़ना है, गोल्ड में एक इमोशन जुड़ा है, मैरिज के लिए एक इमोशन जुड़ा है, तो हम उसमें एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली हमें एक तरीका या एक तरफ नहीं बढ़ना है, हमें अलग अलग तरीके को अपना हर एक आस्पेक्ट को माइंड में लेके अपने बच्चे की प्लानिंग के बारे में सोचना है। एब्सोल्युटली पूजा, अब निवेश के लिए कुछ जरूरी बातें भी हैं जिनका ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग एक बैलेंस नहीं बना पाते हैं प्लानिंग के टाइम पे, शायद बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च ज़्यादा रख दिया, मैरिज के लिए थोड़ा कम रखा हो, या जो पढ़ाई का खर्च है उसको असेस अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं और ज़्यादा फोकस है वो मैरिज पर है। और साथ ही बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्लान्स भी हम आपसे जानना चाहेंगे म्यूचुअल फंड्स के, जिनमें कुछ अच्छा रिटर्न मिला हो और जिसमें बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके।
जी देखिए, काफ़ी अच्छे से आपने ये भी पॉइंट आउट किया कि सिस्टमैटिकली प्लान करना बहुत ज़रूरी है। आप आज प्लानिंग शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं 10, 15 साल 20 साल तक कुछ देखूंगा ही नहीं, मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। रोज़ नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी आते हैं मार्केट में, आपको आपका इन्वेस्टमेंट रिव्यू भी करना है, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस भी होते हैं, आपकी ज़रूरतें बढ़ती हैं यू नो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। तो जिस तरह से आपकी सैलरी बढ़ती है आप निवेश को बढ़ाएं। सेकेंडली आप पोर्टफोलियो रिव्यू करें। आप जैसे आपने कहा कंजर्वेटिव है तो डेट से आप इक्विटी में स्विच करें। इक्विटी में अगर है, अगर उन्हें कम टाइम कम समय है, अभी ये तो हमने बात की 20-25 साल का समय है तो हम इक्विटी इजीली यूज कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन समझो किसी ने अभी ये चीज़ को रियलाइज किया है कि मेरे पास 3-4 साल हैं और मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है, तो हम उन्हें एक डेट पोर्टफोलियो सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक आरडी है। आप आरडी में पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में डाल सकते हैं, या तो आप एफडी में डाल सकते हैं, या तो आप बैलेंस म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बैलेंस कम स्कीम जो मैंने आपको बोला एमआईपीज हैं उसमें डाल सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए म्यूचुअल सेविंग ने शुरू किए हैं, कुछ कंपनीज ने शुरू किए हैं, जिसमें एचडीएफसी का एक चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है, ICICI का चाइल्ड केयर फंड है, LIC का फंड है, जिसने पिछले 3 साल में अराउंड 18-20% रिटर्न दिया है। तो इस तरह के फंड्स आप डाल सकते हैं। MIP जो है उसमें आप फ्रैंकलिन की MIP है, ICICI का है, इसमें भी अगेन 10-13% रिटर्न दिया, आप ये दे सकते हैं। बैलेंस फंड जो मैं कह रही हूँ उसमें SBI बैलेंस फंड है, टाटा बैलेंस फंड है, HDFC बैलेंस फंड है, इन सब ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आप फंड को, आप पहले कैटेगरी टर्म होराइजन जो टेन्योर है जो है वो डिसाइड करें, कैटेगरी पकड़ें एंड अकॉर्डिंगली जिन्होंने पिछले 3-5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, अराउंड 18-20% रिटर्न दिया है, उन फंड्स को सिलेक्ट करें। बेस्ट है अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, आप उनके साथ आपका सारा प्लान डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छे से प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके देंगे, आपको एक अच्छे से एडवाइस देंगे, तो आप इजीली आप एक स्ट्रेस फ्री एक यू नो लाइफ जी सकते हो कि मैंने एक चीज के लिए फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस ली है और उन्होंने मेरा अच्छे से पूरा प्लानिंग करके दिया है। आज अब बात कर रहे हैं बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हमारे साथ है। पूजा, हम लगातार बात करें कि कैसे बच्चों के लिए करेक्ट पोर्टफोलियो उनकी शिक्षा और शादी के लिए सेट किया जाए। अगर अब हम एक होराइजन रखें 2029 तक और अलग अलग एजेस के बच्चे, जैसे 3 से 15 साल तक के बच्चों के लिए अगर एक प्लानिंग करनी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से, तो कैसे एक पोर्टफोलियो को सेट किया जाए, एक्सपोजर किस में ज्यादा लेना बेटर होगा? जी देखिए स्वाति, क्योंकि आपने कहा कि हमारे पास लंबा टाइम होराइजन है और 3 साल के बच्चे की अगर हम प्लानिंग शुरू करें, तो क्योंकि लंबा होराइजन है आपके पास 15 साल का समय है, तो आप इजीली 5,000 की सेप एक 12% रिटर्न के हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं। अगर बच्चा से फॉर एग्जांपल अगर 6 साल का है, हमने थोड़ा लेट शुरू किया है, तो आपको अराउंड 7,000 के आसपास की सेप शुरू करनी होगी आपका 25 लाख का गोल के लिए। अगर 9 साल का है तो आपको अराउंड 9,000 के SIP शुरू करनी होगी। अगर 12 साल का है तो आपको अराउंड 20-25,000 की सिप शुरू करनी होगी। और अगर 15 साल का है, जो कि मात्रा आपके पास हार्डली कुछ समय हो जाएगा, समय होगा गोल को अचीव करने के लिए, तो आपको अराउंड 50,000 की सिप शुरू करनी होगी। आप ये पैटर्न को या ये एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए आप ये सोच, ये एक तर्क लगा सकते हैं कि अगर आपका गोल या अगर आपका एक कॉर्पस अमाउंट बड़ा है और आपके पास काफ़ी लंबा समय है, जितना लेट आपने शुरू किया है उतनी ही राशि आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करनी होगी। सेकेंडली, कंपाउंडिंग जो SIP का जो मेन बेनिफिट है कंपाउंडिंग का, वो भी आपको ज़्यादा उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, एवरेजिंग भी नहीं होगा, तो आपको काफ़ी सारा उसमें माइनस पॉइंट हो सकता है अगर आपके पास हार्डली कुछ समय होगा। सो बेसिकली लंबा समय है तो SIP अगर हम कर रहे हैं तो लंबे समय का जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छे से आप ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। और कई बच्चे अब स्कूल तो जैसे खत्म कर लिया, अब हायर एजुकेशन की तैयारी करनी है, क्योंकि हमने देखा IIT और IIMs की फीस में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, 122% तक की हाइक हुई है, तो ऐसे में कैसे प्लान किया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में तो और बढ़ोतरी फीस में होगी। जी
अगेन मैंने वही कहा कि IIT और MBA आज काफ़ी बच्चे उन देखें आज के ज़माने में कोर्सेज हैं, CA है, CS है, MBA है, काफ़ी कॉमन कोर्सेज है ये, कहीं आराम से आपको अगर आपको काफ़ी 20 स्कूल्स में अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो 15-20 लाख मिनिमम, यही आपको 20-25 साल के बाद कौन सा अमाउंट पहुंचेगा। सेकेंडली काफ़ी अब्रॉड के कोर्सेज भी अवेलेबल है, अब बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, इंजीनियरिंग में भी कितने अलग अलग तरीके के आपको कोर्सेज हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बायोटेक है, सारों की फीस मिनिमम 25 लाख है ही। Absolutely. तो आज से अगर आप देखें हर बच्चा हर फैमिली अभी से उनके एस्पिरेशंस इतने हाई और होने भी चाहिए, सबको अपना करियर बनाना है। जमाना जो है अब ऐसा हो गया है कि गर्ल चाइल्ड भी क्यों ना हो, मैरिज इज समथिंग विच इज अ सेकेंडरी गोल फॉर एवरी वन, दे ऑल हैव एक ही चीज है सबको कि हमें एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए और हमें कुछ बनना है। तो ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल है एक बच्चे के लिए और स्पेशली उनके माँ बाप के लिए भी, क्योंकि उनका भी एक सपना है कि उनको क्या एजुकेशन क्या करियर देना है। तो ये 25-50 लाख का जो इनका आज का वैल्यू है वो 20-25 साल के बाद जो करोड़ों में होने वाला है उसके लिए सिंपल है, आपको इन्फ्लेशन और सब ध्यान में रखते हुए इक्विटी ही आपको 80% आपको आपका पोर्टफोलियो इक्विटी में डालना बहुत जरूरी है, तो ही आपको रिटर्न अच्छे से आपको मिलेगा, आप इन्फ्लेशन बीट कर पाओगे। थैंक यू सो मच पूजा भिंडे हमसे बातचीत करने के लिए, बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग हो उस पर एक गोल्डन टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इसके साथ ही मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना है, अगली बार लौटेंगे एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।